मैं खा मखा चला चढ़ा डबर खटा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, क्या हाल है दोस्तों। दोस्तों बैठा हूँ गाड़ी में आराम से और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आज जो है पूरा का पूरा जो है कि गंदा मौसम हुआ हुआ है, बिल्कुल गंदा। मतलब आसपास का भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको दिखाया फील्ड में फुटबॉल हो रही है, वो फील्ड भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा मौसम हुआ पड़ा है। कोई काम वाम नहीं, कुछ नहीं, क्या पता एक आध घंटे में अपने घर ही ना चले जाएँ वापस, क्योंकि बारिश है, अभी रुकी है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा वेदर है यहाँ का। देखिए दोस्तों कैसा मौसम है, मैं फील्ड में खड़ा हूँ, यहाँ सामने पूरे में फुटबॉल हो रही थी जो मैंने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में। सामने मस्जिद है, वो मस्जिद भी गायब है, चारों तरफ कुछ नहीं है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना मस्जिद नज़र आ रही है। सामने मस्जिद है वो भी नहीं दिख रही है, पूरा पहाड़ गायब है, पूरा बादल है चारों तरफ, कुछ नहीं है। देखिए आप, कुछ नज़र नहीं आ रहा। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, कल वहाँ गाड़ी बहुत थी और आ जाके देखा तो कम हो गई। पूरा ऐसा रहता, बहुत बुरा मौसम, बहुत गंदा मौसम हो रहा है, क्या पता घर को वापस चले जाए। मतलब कुछ नहीं दिख रहा, इतना पास का नज़र नहीं आ रहा, देखो आप सामने। बाकी कहीं जाना होता तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इतनी पास आने के बाद फिर मस्जिद नज़र आई, और जहाँ से मैं खड़ा था आपको दिखा रहा था वहाँ से मस्जिद नज़र नहीं आ रही थी, पूरे में बादल है, दिन में लाइटें जल रही हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों पूरा एडवेंचर बादलों में छुपा पड़ा है, ऐसी बारिश में कुछ नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे दिखना शुरू होगा आपको, पूरे बादल छा रहे, देखो कुछ नहीं दिख रहा। दोस्तों ये वाटरफॉल बहुत तेज होता है, ये जो सामने हल्का पानी गिर रहा है ना, बारिश अगर होती है तो बहुत तेज पानी गिरता है, ये इसको कहते हैं केडी झरना। ये देखो कैसे बादल हो रहे हैं पूरे में, और मैं अकेला ही हूँ, एक ही गाड़ी है यहाँ पर, कपल है वो सामने है ऊपर, वैसे में कोई जानवर नहीं आ जाए क्योंकि धुंध है पूरे में, कुछ पता नहीं होता। सब बादल हो रहे हैं सामने पूरे में, कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। वाटरफॉल भी बहुत हल्का हो गया ऊपर का, बस एक पानी की धार है हल्की सी और कुछ नहीं है। देखो कितना गंदा मौसम है। दोस्तों गाड़ी में आराम से बैठा हूँ मैं, बारिश बहुत हो रही है, बारिश की वजह से कहीं जाने का है नहीं, भाई एक ही राउंड मार के वापस आ गए, बारिश ही इतनी है क्या करें। देखिए कैसे हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन भिगो देगी तो फिर कपड़े सूखने की में बड़ी दिक्कत होती है, धूप नहीं निकलती ना। देखिए आप, देखिए पूरे में बारिश हो रही है, लोग खड़े अपना छाता लगा के, पूरे में बादल ही बादल छा रहे हैं। ये है पार्किंग की हालत, बड़ा पानी भर जाता है इसके अंदर भी, मस्जिद आलीशान नज़र आ रही है और उसके ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं। आ हा, चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों बारिश जो है अगर हो जाएगी तो फिर ये बादल हट जाएंगे, देखो मस्जिद कितनी आलीशान लग रही है, ऊपर बादल और बीच में वाइट मस्जिद, ये देखो काफी कम टूरिस्ट है। देखिए दोस्तों जहाँ कल फुटबॉल का मैच हो रहा था पूरा सन्नाटा, बारिश ही बारिश है, देखो कैसे बादल उड़ रहे हैं ऊपर। अब तो थोड़ा नजर आ रहा है, नहीं तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश होने के बाद पूरा मौसम साफ हो जाएगा इंशाल्लाह, देखते हैं, नहीं तो घर को जाएंगे अपने और क्या। पार्किंग में भी कम आ रही है गाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं पार्किंग से निकल जाऊँगा, और ये देखो अच्छी भीड़ होती है जून में, सारा सन्नाटा, सामने बिरयानी खाऊंगा।
इनकी बिरयानी खाएंगे भैया, लंच का टाइम हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत फूल हैं, पूरे में फूल है। ये देखिए कैसा छोटा छोटा सा ये एरिया है पूरा। बारिश के बाद पूरा खुल गया, नहीं पूरे में बादल ही बादल हो रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखिए, ये रास्ता नैनीताल को जाता है सीधा ऊपर, इसको काले डोंगी रोड कहते हैं। बड़ा अच्छा नज़ारा है आपके सामने, बारिश होने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है पहाड़ देखिए। ऐसे घर बने हुए हैं, देखो स्विमिंग पूल भी है सामने। ये स्विमिंग पूल वाला होटल है। ये है दोस्तों एडवेंचर पार्क। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो खेलने के लिए मिलती हैं। मैं अक्सर अपने व्लॉग में डालता रहता हूँ। ये पंचिंग जंपिंग है, ऐसे शॉप बनी हुई है, कोई चाहे तो रेंट पे ले सकता है कोई भी काम खोलने के लिए। पूरा ये बना हुआ आपके सामने, ये टूरिस्ट है मेरे साथ जो जा रहे हैं। पूरा है, बड़ा अच्छा है, देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, ऐसी खिली है धूप बढ़िया वाली। और जो कि अभी बादल ही बादल थे, पूरी क्लियर है। ये है बच्चों की डग बोट, पानी के अंदर बच्चे यहाँ खेल सकते हैं आराम से। पूरा बना हुआ है, खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना। बहुत बढ़िया है, अच्छा नज़ारा है। गो कार्टिंग बहुत बड़ी है, जिप लाइन है, जिप साइकिलिंग है, ये टिकट काउंटर है, बहुत खूबसूरत है। और क्या करें, ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन में तो ऐसे ही रहता है। ये है दोस्तों पूरा पैकेज यहाँ का, ये पूरा पैकेज है माउंटेन मैजिक पैकेज। ये गेम होती है यहाँ पे, देखिए देखिए दोस्तों, मैं एक ही दिन में आपको नैनीताल का जो मौसम चेंज होता है वो दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो में आप देखेंगे कि बादल है, कुछ नहीं है। और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि कितनी पब्लिक है और फुटबॉल का मैच हो रहा है, देख रहे हैं। ये मार्केट लगी हुई है जो 4 बजे के बाद लगती है, पूरी अच्छी भीड़ होती है, यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको लोकल की आइटम्स वगैरह गिफ्ट वगैरह मिलते हैं वुडन के। बाकी अभी तो सन्नाटा ही है, पूरे पहाड़ सामने क्लियर है। अब आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको खुद लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों यहाँ की भोटिया मार्केट, तिब्बतन मार्केट। ये पूरी अच्छी भीड़ होती है, एक दूसरे से कंधे टकराते हैं, इतना भीड़ होती है यहाँ पे, पूरी मार्केट है। ये गुरुद्वारा है सामने। हाँ दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है ताजिए निकलते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं पहाड़ों पे, देखिए आप।
दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं ऐसे ही आपसे रूबरू होता रहूंगा नैनीताल के हर मौसम के एतबार से। ठीक है दोस्तों, टाटा।